हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपिक लाए हैं, उस टॉपिक का नाम है कि वर्ड्स इनसाइड अ कंप्यूटर केस। इट मींस कि कंप्यूटर केस के अंदर कब सीपीयू होता है, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उन सब चीज़ों में हट करके हमारा एक जो सबसे बेस्ट है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है, सीपीयू। तो सीपीयू के अंडर में हम क्या क्या आता है, तो आज हम ये देखेंगे। उसी को हमने जो टॉपिक का नाम दिया दोस्तों, वर्ड्स इनसाइड अ कंप्यूटर केस। इट मींस कि ये सारा का सारा, इट्स ऑल अबाउट किसके बारे में दोस्तों, कंप्यूटर सीपीयू के बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। ये आ गए हमारी प्रेजेंटेशन में। तो जैसा कि आप लोग हमारी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स इनसाइड अ कंप्यूटर केस, यानी इनसाइड अ कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस के अंदर क्या क्या है, तो अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, वो है मदरबोर्ड। यानी सीपीयू में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है, किसको कहते हैं मदरबोर्ड, तो हम ये देखेंगे। तो द मेन पीस ऑफ अ सर्किटरी इन अ कंप्यूटर, यानी कि जो मेन पीस होता है कंप्यूटर के सीपीयू में, यानी सीपीयू में आप देखेंगे जब खोल करके तो अंदर बहुत सारी क्या लगी होंगी, वायर्स लगी होंगी, एक दूसरे से वायर होंगे, स्लॉट होंगे, चिप लगी होंगी। तो एवरीथिंग कनेक्ट टू और इज वायर्ड टू द मदरबोर्ड, यानी कि हर कोई ना कोई चिप एक दूसरे से कनेक्टेड होगी या कोई वायर होगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। तो वो सारे की सारी जिस चीज में बेस्ड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, अगला अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, कंप्यूटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है दोस्तों, प्ले करता है। विदाउट सीपीयू के हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को टास्क या समथिंग कंप्यूटर को ओपन भी नहीं कर सकते विदाउट सीपीयू। तो सीपीयू की अहमियत क्या है कि द सीपीयू कंप्यूटर्स ब्रेन और हार्ट, यानी क्या होता है, जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और हार्ट, यानी कि या तो दिल कह लो या तो दिमाग कह लो। इंसान जैसे कि दोस्तों इंसान है, ना दिल के बिना जिंदा रह सकता है ना तो दिमाग के बिना, दोनों में से दोनों चीज होने जरूरी है। तो वही चीज सीपीयू के लिए भी है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या क्या गया है, क्या कहा गया है, ब्रेन कहा गया है या तो फिर हार्ट कहा गया है। आगे जो कहा गया है कि द सीपीयू इज अ कंप्यूटर्स मेन चिप, यानी कि जो सीपीयू है वो क्या होता है, कंप्यूटर की मेन चिप होती है। द सीपीयू इज रियली नथिंग मोर देन एन इनक्रेडिबली फास्ट एंड पावरफुल कैलकुलेटर, यानी सीपीयू क्या है, एक पावरफुल कैलकुलेटर भी है और बहुत ज्यादा तेज, यानी कि बहुत तेज वर्क भी करता है। सपोज आप कोई फाइल भी सर्च करते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि आपने क्लिक किया वो इंटरनली तुरंत ओपन हो जाता है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कैलकुलेटर से भी तेज वर्क करता है, क्योंकि कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कैलकुलेटर में हम लोग वैल्यू को इनपुट करा के वो तुरंत आउटपुट कराता है ना, उससे भी तेज ये क्या करता है, वर्क करता है, क्योंकि वैल्यू हमें इनपुट करनी होती है। और यहाँ पे क्या करता है दोस्तों कि जैसे हम क्लिक करेंगे तुरंत क्या करेगा, उस चीज को एक्सेस कर जाएगा। इसलिए सीपीयू जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, तो दोस्तों क्या होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी वो होती है कि जो एक कंप्यूटर टेम्परेरी स्टोरेज पैलेस, यानी कि ये क्या करता है कि एक जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, किसी भी डाटा को सबसे पहले टेम्परेरी स्टोर करता है। वेयर इट गेट इज वर्क डन, जब क्या होता है कि कंप्यूटर में जो हम डाटा पे काम कर रहे हैं जब वो फिनिश हो जाता है, फिनिश करने के बाद हम लोग क्या उसे डिलीट कर देते हैं, नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए वो कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, रैम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू यूज अ वर्ड प्रोसेसर टू टाइप अ लेटर, जब हम क्या करते हैं कि वर्ड प्रोसेसर ओपन करते हैं, वहां पे वर्ड को टाइप करते हैं, वर्ड प्रोसेसर या समथिंग कोई भी फाइल बना रहे हैं उस चीज को ओपन करते हैं, तो टेम्परेरी कहाँ बेस्ड होती है, टेम्परेरी बेस्ड होती है। लेकिन जब हम उसे सेव करते हैं तो सेव कहाँ पे होती है, द लेटर इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, यानी वो कहाँ पे जाके सेव होती है, कंप्यूटर मेमोरी में सेव होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब आता है ROM BIOS, यानी ROM BIOS क्या होता है सीपीयू में, अब हम ये देखेंगे। तो एक कंप्यूटर ROM और BIOS, यानी ROM का मतलब क्या होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी, BIOS का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ROM स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड BIOS यानी इट मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ स्पेशल चिप। ये क्या होती है, एक स्पेशल चिप होती है विद इंस्ट्रक्शंस, जो कि क्या होती है, जिसके पास इंस्ट्रक्शन होती है फॉर द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर हार्डवेयर पार्ट। यानी ROM और BIOS क्या होती है, एक ऐसी चिप होती है जो हेल्प करती है एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराने के लिए।
ताकि जो रिजल्ट उसको आया है उसको आउटपुट उसके अकॉर्डिंग इनपुट के अकॉर्डिंग रिजल्ट को या आउटपुट को प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये ROM और BIOS उसकी हेल्प करती है। आगे बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंशन शॉर्ट क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है। एंड एक्सपेंशन स्लॉट लेट यू एड मोर फीचर एंड कैपेबिलिटीज टू अ कंप्यूटर बाय प्लगिंग इन एक्सपेंशन कार्ड। यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट वो स्लॉट्स होते हैं जैसे हम कंप्यूटर में कुछ समथिंग कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं या हम अपने कंप्यूटर को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट का यूज करते हैं कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए या कंप्यूटर में कुछ और फीचर एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों एक्सपेंशन स्लॉट का यूज करते हैं एक्सपेंशन कार्ड से कनेक्ट करके। आगे एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है दोस्तों, एक कार्ड दैट अलाउ यू टू एक्सपेंड योर कंप्यूटर कैपेबिलिटीज। एक ऐसा कार्ड जो आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स कि कुछ आप कंप्यूटर में कुछ एडिशनल फीचर लाना चाहते हैं या कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो दोस्तों एक्सपेंशन कार्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, एक मॉडेम कार्ड हो गया, एक नेटवर्क कार्ड हो गया, एक वीडियो कार्ड हो गया और एक साउंड कार्ड हो गया। इट मीन्स कि ऐसे कुछ कार्ड जो आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के अलावा और क्या हो गया दोस्तों आपकी एक्सपेंड करना चाहते हैं कैपेबिलिटीज हो गया और भी बहुत सारी चीजें जो आप क्या करना चाहते हैं कंप्यूटर में अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं कैपेबिलिटीज कैपेबिलिटी और चीजें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप बात करते हैं पीसीएम सीआईए कार्ड की कि पीसीएम और सीआईए कार्ड क्या होता है। पीसीएम सीआईए कार्ड नोटबुक कंप्यूटर आर टू स्मॉल, जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं, टू यूज एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड का यूज करने के लिए शो दे यूज स्पेशल क्रेडिट कार्ड साइज पीसीएम सीआईए कार्ड इंस्टेड। यानी कि इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो नोटबुक कंप्यूटर वो किसका यूज करते हैं पीसीएम सीआईए कार्ड का यूज करते हैं जो क्या होता है क्रेडिट कार्ड के साइज का होता है। यू प्लग इन जब हम क्या करते हैं पीसीएम सीआईए कार्ड में प्लग करते हैं और या पीसी कार्ड में प्लग करते हैं इनटू अ स्मॉल कंप्यूटर साइज टू गिव इट मोर फीचर एंड कैपेबिलिटीज। तो ये क्या करता है हमें बहुत सारी क्या करता है कि कैपेबिलिटीज और फीचर प्रोवाइड कराता है। कौन, जब नोटबुक में हम पीसीएम सीआईए कार्ड को हम इनपुट कराते हैं या पीसी कार्ड को इनपुट कराते हैं तो वो क्या कराते हैं कि ये हमें क्या करता है बहुत सारे फीचर और कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड कराता है। नोबडी गेट टेस्टिंग ऑन दिस बट पीसीएमसी स्टैंड फॉर, यानी कि क्या कहता है कि और जो पीसीएमसीआईए की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों उसका मतलब होता है कि पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। ठीक है, कि पीसीएमसीआईए कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है कि ये पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। आगे दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।